Do you know that a Z Funds advisor earns up to ₹30,000 per month? जानना चाहते होंगे ना कैसे, और सबसे खास कि क्या अर्निंग पोटेंशियल रहता है एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर का ओवर देयर प्रोफेशनल जर्नी? तो बने रहिए बस अगले 5 से 7 मिनट मेरे साथ, मैं आपको आज म्यूचुअल फंड बिजनेस का अर्निंग पोटेंशियल दिखाने वाला हूं। डिटेल में ये भी डिस्कस करूंगा कि किस तरह से म्यूचुअल फंड एडवाइजर कमीशन अर्न करते हैं और कैसे स्पेशल कॉन्टेस्ट की मदद से एडवाइजर्स अपनी इनकम और ग्रो कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आदित्य बिरला सनलाइफ एएमसी को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा। आदित्य बिरला सनलाइफ म्यूचुअल फंड हमें इस नए चैनल के लिए नॉलेज और रिसोर्सेज का सपोर्ट दे रहे हैं। मैं हूं अक्षत गिरोत्रा और आप देख रहे हैं जेड फंड शाला। आइए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के कमीशन और अर्निंग पोटेंशियल के बारे में बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक एग्जांपल लेकर भी दिखाऊंगा कि किस तरह का अर्निंग पोटेंशियल रहता है ओवर द लाइफ जर्नी ऑफ अ म्यूचुअल फंड एडवाइजर। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। जब इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करता है तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूटर को एएमसी से यानी कि फंड हाउस से कमीशन पे आउट मिलता है एक रेकरिंग वे में। कमीशन पे आउट इन्वेस्टर की इन्वेस्टेड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो का एक हिस्सा रहता है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूटर्स और एडवाइजर को मिलने वाले कमीशन को टेल कमीशन बोला जाता है और ये तब तक एडवाइजर को दिया जाता है जब तक इन्वेस्टर स्कीम में इन्वेस्टेड रहता है। हर म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो अलग अलग रहता है एंड सिमिलरली हर स्कीम का कमीशन भी अलग रहता है। जनरली ये कमीशन रेंज कर सकता है 0.02% से लेकर 2% तक और ये एनुअल रहता है और इसका पे आउट मंथली बेसिस पर किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के एएम के ऊपर। अब ट्रेल कमीशन में सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग दो कंपोनेंट्स में पे आउट आते हैं, एक तो है T30 का और एक B30। तो T30 का मतलब यानी कि टॉप 30 सिटीज और B30 का मतलब यानी बिलो द टॉप 30 सिटीज। सो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और रूरल एरिया में प्रमोट करते हुए सेबी ने अलाउ किया है एएमसीज को डिस्ट्रीब्यूटर को इस पर थोड़ा एक्स्ट्रा इंसेंटिव ऑफर करने का। T30 में जो रेगुलर कमीशन रहता है वो डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है अगर इन्वेस्टर एमपी द्वारा स्पेसिफाइड टॉप 30 सिटीज में से बिलोंग करता है तो, और वहीं B30 के केस में एडवाइजर को रेगुलर ट्रेल कमीशन के साथ साथ फर्स्ट ईयर के लिए एडिशनल पे आउट भी मिलता है अगर उनके इन्वेस्टर B30 सिटी से बिलोंग करता है तो। अगर एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए कि XYZ म्यूचुअल फंड स्कीम के रेगुलर ट्रेल कमीशन का रेट है 1% और B30 के लिए एक्स्ट्रा 1% का कमीशन रेट रखा गया है। इस केस में T30 वाले क्लाइंट के लिए एडवाइजर को 1% का कमीशन मिलेगा और वहीं अगर B30 का क्लाइंट है तो उन्हें 1% के साथ साथ एडिशनल 1% का पे आउट भी मिलेगा यानी कि 2%। बट जैसा कि हमने पहले भी बताया, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए ही एप्लीकेबल रहता है। अगर जेड फंड्स की बात करें तो हमें एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है और हमारे साथ कई सारे म्यूचुअल फंड एडवाइजर अक्रॉस इंडिया जुड़े हुए हैं। ब्रोकरेज में आई डोंट थिंक एनीवन कैन डू इट बेटर देन अस। वी नेगोशिएट ब्रोकरेज ऑन योर बिहाफ एंड गेट यू द बेस्ट ब्रोकरेज। वी ऑफर प्लैटिनम कमीशन रेट्स टू ऑल आवर एडवाइजर्स। इनफैक्ट इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि हमसे बेटर कमीशन रेट्स इस इंडस्ट्री में कोई भी नहीं देता है। हमें जितना भी मिलता है फ्रॉम द फंड हाउसेज उसका 70% हम आपको पास ऑन कर देते हैं और ये ज्यादा ही रहेगा उससे जो आपको मिलता अगर आप डायरेक्टली एएमसी के साथ डील करते, क्योंकि हमारा स्केल बहुत बड़ा है। ऑल्सो ये रेट हमारे कॉम्पिटिटर से भी ज्यादा है क्योंकि दे डोंट पास 70%। यही नहीं, इसके अलावा म्यूचुअल फंड एडवाइजर के अर्निंग पोटेंशियल की अगर बात करूं तो एक और चीज आती है जिसके जरिए एडवाइजर्स का फाइनल कमीशन पे आउट ट्रेल से भी ज्यादा बन सकता है, विच इज सेल्स कॉन्टेस्ट। तो जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, जेड फंड्स पर हम बहुत से एक्साइटिंग सेल्स कॉन्टेस्ट भी रन करते रहते हैं जिसमें आपको कुछ सेल्स टारगेट अचीव करने पर एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी मिल सकता है। आइए, जब हमने कमीशन का कॉन्सेप्ट समझ ही लिया है तो अब एक एग्जाम्पल से आपको प्रोजेक्शन करके दिखाता हूँ कि म्यूचुअल फंड एडवाइजर का अर्निंग पोटेंशियल कितना रह सकता है। सबसे पहले हम कुछ assumptions ले रहे हैं, विचार कि एक एडवाइजर एक मंथ में 10 SIP करवाता है 5 क्लाइंट्स की of the value ₹2000 each, यानी कि मतलब हर मंथ 20,000 की वैल्यू की सिप एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर करवा रहा है। ऑल्सो साथ में एवरी ईयर एडवाइजर 20 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट भी करवा रहा है। SIP वैल्यू कस्टमर्स
और लमसम में हम अज्यूम कर रहे हैं 10% की ग्रोथ एवरी ईयर। और बात करें अगर कैपिटल ग्रोथ की, तो उसके लिए हमने 12% के रिटर्न्स को अज्यूम किया है। ट्रेल कमीशन की अगर बात करें तो हमने 1% का अज्यूम किया है। उस हिसाब से जब हम प्रोजेक्शन करते हैं अगले 1 से 20 साल के लिए, तो कुछ इस तरह के नंबर्स निकल कर आते हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, अजम्पशंस को लेते हुए फर्स्ट ईयर के एंड में एयूएम हो जाता है लगभग 35 लाख का, जिस पर एनुअल ट्रेल रहा 35,600 का। और अगर इसमें सेल्स कॉन्टेस्ट की पोटेंशियल अर्निंग्स को भी ऐड कर दिया जाए, तो लगभग 65,600 का अर्निंग पोटेंशियल निकल कर आ रहा है। और इसी प्रकार अगर 5 साल में बात करें, तो लगभग 6.73 लाख की अर्निंग पोटेंशियल बैठ रही है। और वहीं 10 और 20 साल में 33 लाख और 2.40 करोड़ का अर्निंग पोटेंशियल बैठ रहा है एनुअल ईयर का। ये डेटा और अजम्पशंस अभी भी कंजर्वेटिव साइड पर है। हमारे बहुत से एडवाइजर्स अपने इनिशियल ईयर में ही इससे बहुत ज़्यादा का पे आउट ऑलरेडी बना रहे हैं। ये सब डिपेंड करेगा कि आप कैसे अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं और कितनी तेजी से नए क्लाइंट्स को ऐड कर रहे हैं। तो ये तो था म्यूचुअल फंड एडवाइजर के कमीशन और अर्निंग पोटेंशियल के बारे में। सो अगर आप भी इस प्रोफेशनल नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो कि आज की डेट में इंडियन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के सबसे ट्रेंडिंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट यानी म्यूचुअल फंड्स को इन्वेस्टर तक पहुंचा रहे हैं, तो अभी हमें व्हाट्सएप करें 7217746224 पर, या फिर आप हमारी जेड फंड्स एडवाइजर ऐप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप ऊपर आई आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड शाला।